अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जॉली अजीम हाजिर है फिर एक वीडियो के साथ। दोस्तों आज मैं आपको वेजिटेबल जो मैंने सेलेक्ट की है, मैंने जुकीनी को सेलेक्ट किया है। तो ये घिया तोरी से मिलती जुलती एक सब्ज़ी है, तो यहाँ पे जो है साउथ एशिया के अंदर कम इस्तेमाल की जाती है, लेकिन अब मार्केट में मंडियों में इजीली अवेलेबल है और इसके फ़ायदे भी बहुत ज़्यादा है। स्पेशली ये गर्मियों में आती है, एक्सट्रीम गर्मियों में या मोतदिल किस्म की जो आबो हवा वाले खत्ते में ये पाई जाती है। तो यह पाकिस्तान में भी अब इजीली अवेलेबल है जुकीनी। जुकीनी के बहुत सारे फ़ायदे हैं, फुल ऑफ फाइबर होती है। तो आज चलें दोस्तों शुरू करते हैं जुकीनी के बेनिफिट्स। इसका जो सबसे बड़ा फ़ायदा है, यह फुल ऑफ फाइबर है। इसके खाने के बाद आपको ज़्यादा भूख नहीं लगती, आपका पेट भरा भरा रहता है, तो आपको वज़न कम करने में यह बहुत मदद देती है, आपका वेट लॉस करती है। और दोस्तों ऐसे लोग जिनकी नज़र कमज़ोर है, इसमें विटामिन ए हाई मकदार में पाया जाता है। विटामिन ए आपको पता है आँखों के लिए बहुत अच्छा होता है, तो इस वजह से ये आपकी नज़र को तेज़ करती है, चमकदार करती है। और दोस्तों ऐसे लोग जिन्हें दमा है, जिनके फेफड़े सही काम नहीं कर रहे, सांस में प्रॉब्लम है, सांस रुक रुक कर आता है, अगर वो अपनी खुराक के अंदर एक मुनासिब सी भुजिया बना के खाएं, या वैसे भी इसे बॉईल करके या एज पर सैलेड भी इसे बरी काट के यूज़ करें, तो उनकी जितने भी अस्थमा की प्रॉब्लम है यानी दमा है, सांस का कोई मसला है, तो वो दूर हो जाएगा। दोस्तों ऐसे लोग जो ब्लड प्रेशर का शिकार हैं, जिनमें ब्लड प्रेशर गुस्सा बहुत आता है, ऊपर नीचे रहता है, इसके इस्तेमाल से उनका जो ब्लड प्रेशर है वो मुतदिल रहता है, वो काम रहते हैं और उनका मूड अच्छा हो जाता है। डिप्रेशन जहनी तनाव को भी ये दूर करती है। हाँ दोस्तों ऐसे लोग जिन्हें रैशेज पड़ जाते हैं, एलर्जी है, पोलन एलर्जी है, या किसी किस्म की भी मुख्तलिफ किस्म की डिफरेंट किस्म की एलर्जीज हैं, स्नीजिंग है, तो इसके खाने से वो दूर हो जाती है। दोस्तों ऐसे लोग जो दिल के मरीज़ हैं, जिनके जो हार्ट्स के वॉल्स हैं ब्लॉक हो चुके हैं, आर्टरीज ब्लॉक हो चुकी हैं, उसमें कोलेस्ट्रॉल जमा हुआ है, तो इसके खाने से उनका जो खून पतला होता है। ऐसे लोग दोस्तों जो डाइजेशन की जिन्हें प्रॉब्लम, जिन्हें खाना जल्दी हज़म नहीं होता, आंतों में जो है मुख्तलिफ किस्म की उन्हें कॉन्स्टिपेशन रहती है यानी कब्ज़ उन्हें रहती है, तो एनल कोई डिजीज़ हैं, इन्फेक्शन है, बवासीर वगैरह हैं, तो इसके खाने से ये तमाम प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। मैदा बहुत अच्छे तरीके के साथ काम करता है, आंतों के जो अफाल हैं वो अच्छे हो जाते हैं और पखाना खुलकर आता है और कॉन्स्टिपेशन उनकी ख़त्म हो जाती है, बवासीर की कोई प्रॉब्लम है तो वो भी दूर हो जाती है। दोस्तों ऐसे लोग जो थायराइड के मरीज़ हैं, उनके लिए भी ये बहुत अच्छी है और ये जो है शुगर लेवल को भी स्टेबल रखती है। डायबिटिक्स आपको है कि इसके खाने से मोतदिल हो जाती है आपकी शुगर, अगर शुगर हाई है तो एक मुनासिब मकदार में से ये जो है सब्ज़ी जुकीनी ले आती है। दोस्तों कुव्वते मुदाफियत को भी स्ट्रॉन्ग करती है। ऐसे लोग जो जिन्हें बीमारियां बहुत लगती है, एंटी बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन जितनी भी हैं, और जितनी भी ऐसे लोग जिन्हें बीमारियाँ बहुत ज़्यादा लगती हैं, जिन्हें बैक्टीरिया वायरसेज इनके ऊपर बहुत असर करते हैं, वो अपनी खुराक के अंदर जुकीनी वेजिटेबल को शामिल करें, तो उनकी इम्यूनिटी जो सिस्टम है स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और दोस्तों इसके खाने से डिप्रेशन जहनी तनाव भी कम होता है। चलें दोस्तों ये तो थे इसके कुछ बेनिफिट्स, आते हैं कुछ इसके साइड इफेक्ट्स की तरफ। दोस्तों इसके ज़्यादा इस्तेमाल से आपको मतली हो सकती है, बेचैनी हो सकती है, दिल ख़राब हो सकता है, वामिट हो सकती है, तो आप इसे मुनासिब मकदार में लें। इवन देन इसे बहुत एक्सट्रीम में जब आप लेंगे तो आपकी डेथ भी हो सकती है, तो इस वजह से इसे मुनासिब मकदार में लें। 250 ग्राम्स वन डे के अंदर काफ़ी होती है, एक हफ्ते में एक से दो दफ़ा इस्तेमाल कर लें और इसके आपको सारे बेनिफिट्स मिल जाएंगे। जुकीनी बहुत एक अच्छी सब्ज़ी है। चलें दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये जो जुकीनी के बेनिफिट्स और साइड इफ़ेक्ट्स पसंद आएंगे। मेरे तो इस वीडियो को लाइक करना है, अपने कॉमेंट्स करना है, शेयर करना है, तो मुझे इजाज़त है, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।